सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ओप्पो के रेनो 8 5G डिवाइस के अंदर आप ग्रीन डॉट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये ग्रीन डॉट होता क्या है और क्यों आता हमारे फ़ोन के अंदर? अभी आप देख सकते हो हमारे फ़ोन के अंदर अभी भी ग्रीन डॉट है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके रखा हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इस माइक्रोफोन वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर देख सकते हो वेइंग यूज्ड बाय स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है इसलिए वहाँ पर वो कैमरे का माइक्रोफोन का साइन आ रहा है। अब ये ग्रीन डॉट क्रिएट कैसे होता है, सबसे पहले मैं उसको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं अपने कैमरे को ओपन करता हूँ। नो डाउट हमारा कैमरा चालू है। अब यहाँ पर कैमरा और माइक्रोफोन हमारा दोनों चालू है, तो दोनों का परमिशन यहाँ पर आना चाहिए। देखो तो कैमरा और माइक्रोफोन दोनों आ रहा है। कैमरे को प्रेस करते हो तो वेइंग यूज्ड बाय कैमरा दिखाएगा और वेइंग यूज्ड बाय स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जिसको यूज़ करोगे वो सारे ऑप्शंस वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब ये ऑप्शंस दिया क्यों गया है, ये हमें एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया गया है। और ये कि इंडिकेटर लाइट है, इससे कन्फ्यूजिंग क्रिएट नहीं करनी है। बहुत लोगों की कन्फ्यूजिंग ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं तब भी आता है क्या, हमारी कॉल को रिकॉर्ड करता है, ऐसे कुछ डाउट्स हैं लोगों के, तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। देखो ये हमें इंडिकेट बस कर रहा है। देखो मैंने कैमरा बंद कर दिया, कैमरे का साइन बंद हो चुका है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, इससे आप बंद मत करिए। अगर चालू हो गया है, इसे बंद तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन में जाते हो, जैसे ओल्ड वर्जन था कोई 13 या 11 का वर्जन आया उसमें आने लगा, तो आप दोबारा से रिप्लेस करेंगे अपने वर्जन को, तो बंद हो सकता है। बिकॉज आप उसको बंद ना करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेटिंग्स है। देखो अगर माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ केसों में कुछ डिवाइस अलाउ करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कॉल पे, और आपका जो भी कहीं भी अगर आप यूज़ करते हो माइक्रोफोन का तो वो साइन वहाँ पर आता है। लेकिन कुछ डिवाइस होते हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे अलाउ नहीं करते इसको, एंड फ़ोन कॉल पे ऑन कॉल पर भी अलाउ नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में वीवो वाले में हमें देखने को मिलता है। हालांकि वीवो में अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करता हूँ तब भी वो ग्रीन डॉट नहीं आता है, किसी से बात करते हैं तब भी नहीं आता। हाँ, इंटरनेट कॉल अगर हम करते हैं तो उसमें आता है। और इन्फ्लिक्स हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, ऐसे डिवाइसों में आपको हर जगह देखने को मिलता है। अब देखो इसको ऑफ़ करने का तरीका कोई नहीं है, हम इसको ऑफ़ नहीं कर सकते। अब ये हमें हमारे लिए किस तरह से लाइक हेल्पफुल है मैं उसे आपको बताता हूँ। मान लीजिए एज एग्जांपल मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना करता तब भी ये माइक्रोफोन वहाँ पर आता, दैट मीन्स हमारे फ़ोन की कोई ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स होगी जो विदाउट हमारे परमिशन के वहाँ पर एक्टिवेट होगी। अब जब माइक्रोफोन का ऑप्शन आ रहा तो मतलब वो हमारा माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं सामने वाले को सुनाई दे रहा है। तो ऐसे केस में आपको बस अलर्ट होना है। अगर कैमरे का साइन आ रहा है, कैमरा आप यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर किसी से वीडियो कॉल नहीं कर रहे हो, तब भी वो कैमरे का साइन आ रहा है, दैट मीन्स कि कोई आपको सुन सकता है, ऐसी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो सकती है आपके फ़ोन में एक्टिवेटेड हो। तो ऐसे केस में आपको अलर्ट ये होना है कि अपने डाटा कनेक्शन को बंद करिए, फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रजिस्टर कर दीजिए कम्प्लीटली, और जो भी इंस्टॉल करें एप्लीकेशन कोशिश करें प्ले स्टोर से जेन्युइन एप्लीकेशन हो, और हम इसको बंद नहीं कर सकते और कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं करता। बस आपको देखना है कि ये कब आ रहा है, माइक्रोफोन यूज़ करने पे आ रहा है, कैमरा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।